क्या हाल चाल है? क्या उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मैंगो स्मार्ट सिस्टम क्या होता है। हमारे साथ मौजूद है राशिद रजा साहब, वो आपको बताएंगे कि मैंगो ट्री सिस्टम क्या होता है। ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इसमें बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज में तो ये पहले से ही हुआ। पाकिस्तान में पिछले जो हमारे पास ऑर्चर्स हैं, चार चौथे साल में भी हैं, पाँचवें साल में भी हैं, और कुछ सिली फ्रूटिंग पे भी मौजूद है। सिंध में है, पंजाब में भी, राजस्थान में काफ़ी जगह पे उसमें फ्रूटिंग है। और यहाँ पे हमने ये इसका पहला दूसरा साल है इसकी हमने ट्रेनिंग करनी है। मतलब 15x5 पे यहाँ से लगा हुआ है, तो इसकी हमने ट्रेनिंग कैसे करनी है शुरू से, क्योंकि हमने इसको 8 फुट पर लेके जाना है और इसकी हाइट को हमने मेंटेन करना है। तो शुरू से इसकी हज बनवानी है, तो हज कैसे बनवानी है और आगे इसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है वो आपके साथ ज़रा शेयर करेंगे। तो सबसे पहले पौधा देखते हैं आप, ये वाला इसको हमने 2 फुट 80 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है ना। उसके ऊपर उससे नीचे मतलब 80 सेंटीमीटर से नीचे कोई भी शाख नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंगल स्टेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कभी आपने देखा होगा कोई पौधे जंगली होते हैं, मतलब मैंगो का ही ले लें, वो सीधे चले जाते हैं, लेकिन हमने उसको सीधा नहीं लेके जाना, हमने उसकी हज बनानी है। तो उससे एक्सीडेंटली कोई उसके ऊपर अटैक आ गया किसी चीज़ का, उसकी नान वाली बढ़ जल गई, तो वो खुद बहुत ही डिवेल्प हो जाता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो हाइट पर नहीं जाता, उसकी हमें फ्रूट हार्वेस्टिंग में बहुत आसानी होती है, उसकी मैनेजमेंट करने में, मतलब अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी पेस्टिसाइड फंगीसाइड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जान अप्लाई करने में ईजी होता है, उसकी हम चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। तो इसकी हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, अभी ये पौधे को हमने उसके स्ट्रक्चर देखे, अगर पहले बना हुआ है तो उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे ये इसका बन चुका है, अगर ये सिंगल स्टेम की आ रही होती तो फिर हम उसको 80 सेंटीमीटर पर कट कर देते। अभी ये 80 सेंटीमीटर आप लेकर यहाँ बन रहा, हाँ इधर बन रहा उसका, तो हम इसको 80 सेंटीमीटर पर इसको जो है ना काट देंगे, ठीक है। इधर से हम इसको काट देंगे, काटने पर अपने एक ध्यान ये रखना है कि इसको जो है ना, जहाँ पर इसका ज्वाइंट बन रहा है तो वहाँ पर आपने इसको काटना है, ताकि यहाँ से इसकी शाखें निकल सकें फर्दर, ठीक है ना। ये इसको दिखा भी देना जरूर। अच्छा, ये हमने इसको जिस तरह ग्राफ्टिंग के लिए हम काटते हैं, हमने इसको इस तरह काटना है। हाँ बिल्कुल, और कोशिश करें कि कलम कटाई करें, मतलब कि थोड़ा टिल्टेड करके। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी शबनम या हवा बारिश वगैरह आएगी, पानी उसका जो है ना वो नीचे गिर जाएगा, ऊपर खड़ा नहीं होगा, खड़ा हो गया अगर अंदर चला गया तो फंगस लग जाएगा। अच्छा, इसको भी हम इधर से कट कर देंगे, ठीक है। 90 एंगल पे जो जा रही है शाख हम लोग काट देना है, और जो 45 पे होगी हमने उसको आगे रिटेन कर लेना है। अभी इस पर सारी 45 पे हैं, 90 वाली ऑलरेडी एक्सीडेंटली या इसको कुछ भी हुआ, ये टूटी हुई है पहले, अभी इसको भी हमने टिप कर देना है। टिप कैसे करना है, हाथ से करना है उसका, टिप करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल, अभी ये देखें जो इसका आखिरी बड है, ठीक है, इसको हमने हाथ के साथ ऐसे रिमूव कर लो, ठीक है। इसको बडिंग बोलते हैं, बड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को टिपिंग बोलते हैं। अच्छा, इससे नीचे जो शाख है ये हमने ये भी रिमूव कर देनी है। अच्छा, जो वीकेस्ट होगी उसको भी हमने, वीक जो होगी उसको भी, और जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की है, जहाँ से हमारा ग्राफ्टिंग शुरू हो रहा है, उससे नीचे जो हमारी देसी होगी वो भी आपने लाज में काटनी है। वो इसलिए काटनी है कि बाद हमारा पौधा डिवेलपमेंट की तरफ जा रहा होता है, जिस तरह किलो में वाटर शूट निकल आती हो, तो इसमें भी देसी का चांस होता है कि इसमें से देसी निकल आए, और बाद पता नहीं चलता तो फिर ये आगे बढ़ता रहता है, तो बाद में बहुत बड़े हो जाते हैं, पहले तो फिर हमें काट कर देते हैं। तो ये आपने ज़रा मैनेजमेंट की चीज़ें हैं ये, तो और इसके अलावा ये हमने साथ इसको भी काट दोगे, बस ये इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और ये